सहित अन्य देवी देवता नर गांधर्व सभी को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने ही जमाता भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ में आई माता सती जो आद्य शक्ति एवं भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके समक्ष दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहकर उनका घोर अपमान किया, जो सती को स्वीकार्य न था, परंतु जानबूझकर अपने ही जमाता या इतना ही नहीं, जब यज्ञ से भी है, वेदानुसार कहा जाता है कि सृष्टि रचयमान शिव की से भी है, वेदानुसार कहा जाता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति तक अपने ही जमाता भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ में आई माता सती जो आद्य शक्ति एवं भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके समक्ष दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहकर उनका घोर अपमान किया, जो सती को स्वीकार्य न था, एवं उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती से भी है, वेदानुसार का